हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं पूजा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकुजाज ड्रीम में। आज हम बात करेंगे गाय के गोबर के बने उपले से फर्टिलाइज़र तैयार करने के बारे में। ये फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूखा हुआ उपला लेंगे, या आप सूखा डिकम्पोस्ट किया हुआ गाय का गोबर भी ले सकते हैं। मैंने ग्लास में पानी लिया है, मैं इसमें उपले मिला रही हूँ। इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए फर्टिलाइज होने के लिए रख देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गाय का गोबर का जो फर्टिलाइज़र तैयार होता है वो गार्डनिंग और फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। फ्रेंड्स, आप सब देख रहे होंगे 5 घंटे बाद हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप घर में अच्छी सब्जियां तैयार करना चाहते हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए मैं स्प्रे बॉटल की मदद से इसको यूज़ करूँगी। आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसको स्प्रे बॉटल में फिल कर रही हूँ। आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में फिल कर सकते हैं। आजकल हमारे घर में सैनिटाइज़र की स्प्रे बॉटल्स भी अवेलेबल होंगी। अगर किसी के पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो वो डायरेक्टली भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको स्प्रे करेंगे। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, तो हम इसको वीकली या 10 डेज़ में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंकुजाज ड्रीम।